स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक में एट फर्स्ट हम कुछ छोटी मोटी बातों को जानना शुरू करते हैं, फिर एक एक बातों को हम लेंगे। एट फर्स्ट हम तुम्हें इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ यूज में आती है ट्रिग्नोमेट्री और ये कैसे बना है ट्रिग्नोमेट्री, एवरीथिंग हम सब चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके इंट्रोडक्शन साइड के, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये तीन वर्ड से बना, ग्रीक के तीन वर्ड को अटैच करके ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। इसमें जो वर्ड आते हैं ना, वो आते हैं ट्री, गॉन, ट्रिगोन, ठीक है, और मैं ले रहा हूं अब मैट्रॉन। देखो ये तीन वर्ड से जो है ये बना हुआ है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्री, गोन और मैट्रॉन। अब ये ट्री, गोन और मैट्रॉन का मतलब क्या, ये तीनों है ग्रीक वर्ड जिनको अटैच करके बनाया गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का तो मतलब तुम जान ही रहे हो, ट्री का जो रिलेशन है ना वो थ्री से है। ये क्या है, थ्री, थ्री मतलब तीन, तीन है ये, ठीक है। और गोन, गोन का जो रिलेशन है ना, गोन का मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब आ रहा, साइड्स, साइड्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भुजा। और मैट्रॉन का जो मीनिंग यहां से निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है मेजर। क्या आ रहा है, मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है हिंदी में कहें तो, माप। दैट मीन्स ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये तीन वर्ड से बना हुआ है, ट्री, गोन, मैट्रॉन। ट्री का मतलब थ्री, तीन, और साइड्स हो गया गोन का मतलब, और मैट्रॉन का मतलब मेजर, यानी तीन साइड का मेजर है। तीन साइड के मेजरमेंट को कैसे यूज किया जाता है उसके एंगल के साथ, ये हमें बताता है ट्रिग्नोमेट्री। दरअसल ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी लर्न द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द रेशियो बिटवीन देयर साइड्स इन ए राइट एंगल ट्रेंगल। तो ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, ये सारे राइट एंगल ट्रेंगल के बेसिस पर होंगे। तो इसको जानने के लिए हमें जानना होगा राइट एंगल ट्रेंगल को। वैसे तो राइट एंगल ट्रेंगल को तुम लोग बहुत पहले से जानते हो, लेकिन आज राइट एंगल ट्रेंगल के कुछ स्पेशल जो उसके हैं चीज़ें, स्पेशल जो उनमें कुछ बातें हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे जो तुम शायद पहली बार जान रहे होगे। तो आओ हम एट फर्स्ट अब जाने राइट एंगल ट्रेंगल के विषय में, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, तो इसके विषय में तुम लोग जानते होगे कि जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है उसमें क्या होता है, एक एंगल राइट एंगल होता है, ए ट्रेंगल इन विच द वन एंगल इज राइट एंगल एंड द अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल जो होता है ना, उसका एक एंगल क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, बाकी जो दो एंगल बचते हैं हमारे पास उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। कैसा होता है ये, एक्यूट एंगल होता है, जिसकी वैल्यू लेस देन 90 होती है, ठीक है। ये दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन एंगल्स जो होते हैं एक्यूट एंगल, इनका रिलेशन इन तीनों ही साइड से फाइंड किया जाता है। तो इसलिए कर इन तीनों साइड्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में तीन जो साइड्स होते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके विषय में अगर जानकारी ढंग से नहीं होगी तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इनके तीनों साइड को जानते हैं। इनमें इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका केवल वन साइड जो है वो डिफाइंड टर्म होता है। क्या है वो, डिफाइंड है। जैसे कि जहाँ पर राइट एंगल बनता है, तुम जान रहे हो ये एंगल क्या है, तो लॉन्गेस्ट एंगल, या सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या है ये, ग्रेटेस्ट एंगल। और तुम इस बात को भी पहले से जानते होगे एज ए ज्योमेट्री में, कि जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री, जो एंगल किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, चूंकि यह एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने का जो साइड है ना, ये सबसे बड़ा साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस, इसको शॉर्टकट में हम लोग एच से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं सामने में, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। कौन सा साइड हमारा बेस होगा और कौन सा साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होता है। तो इस बात को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज दैट अगर मैं किसी एंगल की बात करूँ, दो एंगल है हमारे सामने एक्यूट एंगल, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे तो इन्हीं दोनों एंगल में फिलहाल हम लोग यूज़ करना है। तो इन दोनों के लिए कौन है परपेंडिकुलर और कौन है बेस,
इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ ध्यान दो, जो मेरी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर जो साइड होती है तो वो साइड किसको कहते हैं हम जानते हो, ये होता है मेरा अपोजिट साइड। क्या होता है ये? अपोजिट साइड। इसको ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड जो होगा किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, वो उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जहाँ तक बेस की बात होती है ना, बेस किसको लेते हैं हम लोग, तो एडजेसेंट साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड जो होता है ना उसको बेस के तौर पर लिया जाता है, और अपोजिट साइड को क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर के लिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये डिपेंड करता है हमारा एंगल, हमने कौन सा एंगल यहाँ चूज किया है। सपोज अगर मैं बात करूँ एंगल सी के लिए, ठीक है, कि एंगल सी के लिए हमारा कौन है परपेंडिकुलर और कौन है हमारा बेस, तो एंगल सी का जो परपेंडिकुलर होगा ना वो उसका अपोजिट साइड होगा। देखो गौर से, जो एंगल बनी है ना, इस एंगल को बनाया है इन दोनों साइड ने। देखो ध्यान से, एंगल सी को किसने बनाया? बी सी और ए सी ने एंगल सी का फॉर्मेशन किया है, इस ए बी ने एंगल सी का फॉर्मेशन नहीं किया है। तो जो दो साइड किसी एंगल का फॉर्मेशन करते हैं ना उनको एडजेसेंट साइड करते हैं, यानी कि बी सी जो है ना वो एडजेसेंट साइड है एंगल सी का, और ए सी भी क्या है? एडजेसेंट साइड है। ये दोनों ही साइड क्या है? एंगल सी के एडजेसेंट साइड है ये दोनों, ठीक है। लेकिन चूंकि इस साइड का एक स्पेशल नाम हाइपोटेनस है, तो इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, और इसको केवल बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे इसको? एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट साइड होगा तुम्हारा किसके लिए होगा? तो एंगल सी के लिए, क्योंकि इसने एंगल सी का फॉर्मेशन किया है। ये एंगल ए का फॉर्मेशन इसने नहीं किया है। देख लो, एंगल ए का फॉर्मेशन ए बी ने किया है और ए सी ने किया है। इसका मतलब ये जो बी सी है ना वो एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड नहीं है। और ये दोनों एडजेसेंट साइड के बाद जो थर्ड साइड बचता है ना ए बी, ये एंगल सी के जस्ट अपोजिट है। तो ये है अपोजिट साइड, ये है अपोजिट साइड। तो ये बनेगा एंगल सी का परपेंडिकुलर। तो ये जो अपोजिट साइड है ना एंगल सी के लिए, वो बनेगा इसका परपेंडिकुलर। यानी ये हो गया मेरा अपोजिट साइड। ये क्या हो गया? अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी है, एंगल सी का अपोजिट साइड है, इसलिए यह क्या बन जाएगा मेरा? ये बनेगा परपेंडिकुलर। यह क्या हो जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर। किसके लिए होगा परपेंडिकुलर भाई? ये परपेंडिकुलर होगा एंगल सी के लिए। अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो एंगल सी के लिए कर रहा हूँ। तो एंगल सी का ये दोनों हो गया एडजेसेंट साइड, लेकिन चूंकि इसका नाम है हाइपोटेनस स्पेशली, तो इसको मैं बोलूँगा हाइपोटेनस और इसको केवल बोलूँगा एडजेसेंट साइड। और ये जो बनेगा थर्ड साइड जो जस्ट अपोजिट है एंगल सी का, तुम देख रहे हो जस्ट अपोजिट है, ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी है, ये बनेगा परपेंडिकुलर। यानी अगर एंगल सी की बात करूँ ना तो एंगल सी के लिए ये हो रहा है परपेंडिकुलर। गौर से देखो क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बेस बन रहा है मेरा और ये बन रहा है मेरा हाइपोटेनस। तो क्लियर हो गया कि एंगल सी के लिए कौन है परपेंडिकुलर, कौन है इसका बेस और कौन है इसका हाइपोटेनस। ओके, अब मैं बात करता हूं कि एंगल ए के लिए क्या बातें होंगी। तो गौर से देखो, मैं इसी ट्रायंगल को यहां पर फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूं फिगर, एंगल इसी ट्रायंगल को मैं फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं। गौर से देखो, ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल अगेन, ये है इसका नाम ए बी सी। ओके, अब मैं एंगल ए की बात करूँ, सबसे पहले ये क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का जो जस्ट अपोजिट साइड होगा ना वो तुम्हारा होगा हाइपोटेनस। ये क्लियर है, ये सबके लिए होगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो सारे साइड में सबसे बड़ा है, तो इसको हाइपोटेनस कहते हैं। वो किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता, वो जो राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट होता है। बात जो हमारी परपेंडिकुलर और बेस है ना, वो बात होगी केवल ए बी और बी सी की। हाइपोटेनस को छोड़कर जो दो साइड बचते हैं जिसने राइट एंगल का फॉर्मेशन किया है, उसमें से एक है बेस और एक है परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ए की बात करूँ ना, तो एंगल ए का फॉर्मेशन किसने किया है? ए सी ने किया है और ए बी ने किया। देख लो गौर से, ए सी और ए बी ने बनाया है एंगल ए को। तो इसका मतलब ये ए बी और ए सी है ना, ये एडजेसेंट साइड है। क्या है ये? एडजेसेंट साइड है। किसके लिए? एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड है। गौर से देखो, मैं इसको एडजेसेंट साइड अभी नहीं बोलूंगा, क्यों? इसका स्पेशल नाम है हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस रहने दो। तो बच गया ये, इसको बोल दो एडजेसेंट साइड। क्या है ये? ये है एडजेसेंट साइड, ये है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल
ए, एंगल ए का ये एडजेसेंट साइड है, और ये देखो सामने में कौन बचा, ये बचा तुमको बी सी, ये बी सी जो है जस्ट अपोजिट है एंगल ए का, ये है अपोजिट साइड, ये क्या है, ये है अपोजिट साइड, ये है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यानी ये बनेगा परपेंडिकुलर, गौर से देखो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है किसके लिए, ए के लिए। एंगल ए की अगर बात होगी ट्रिग्नोमेट्री में, अगर एंगल ए की बात जहां होगी तो उसकी परपेंडिकुलर हमारा बी सी होगा, और अगर एंगल ए की बात होगी तो हमारा बेस क्या होगा, वो बेस होगा मेरा ए बी, दैट मीन्स जो एडजेसेंट साइड है एंगल ए के लिए वो है तुम्हारा बेस। तो एडजेसेंट साइड और जो हमारा अपोजिट साइड होता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे सामने क्लियर है तो तुम आराम से अपने परपेंडिकुलर और बेस को पहचान पाते हो। स्टूडेंट्स, अब बात करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस टॉपिक पर देखो गौर से कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वर्क में आते हैं। एट फर्स्ट अगर मैं बात करूँ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, इनके साथ जो वर्ड लगा हुआ है ना, वो रेशियो लगा हुआ, क्या लगा हुआ, रेशियो, दैट मीन्स ये साइड के रेशियोज़ हैं, क्या साइड्स के रेशियोज, किसके साइड्स, तभी मैंने बात किया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का यह रेशियोज है, और इन रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम दिए जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कि वो कौन कौन से नाम है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ, देखो क्या क्या नाम है। तो एज फर्स्ट मैं बात करूँ तो साइन, देखो साइन क्या क्या वर्ड आता है यूज, साइन, और कोशाइन क्या वर्ड आता है यूज, कोशाइन। बात करूँ आगे तो ये है टेंजेंट, गौर से देखो ये है टेंजेंट, क्या है टेंजेंट, और फिर वर्ड आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ओके। कोटेंजेंट के बाद मैं बात करूँ तो सेकेंट का यूज होता है, क्या होता है, सेकेंट, और फिर को सेकेंट। अब देखो इस तरह से मैंने एडजस्ट किया है कि तुम समझ पाओ, एक साइन है तो एक इसका को साइन है, एक टेंजेंट है एक उसका को टेंजेंट है, ठीक है, और एक सेकेंट है एक उसका को सेकेंट है। तो ये जो है ये सिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, और इन्हीं को यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और इनको जब भी यूज़ किया जाता है तो किसी न किसी एंगल के साथ यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो है इनका फुल फॉर्म है, क्या है, फुल फॉर्म, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में इनको यूज़ करते हैं ना तो इनके शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को, साइन को जो यूज़ करते हैं ना केवल एस आई एन सीन लिखते हैं, दैट इज यही है साइन हमारा, और कोसाइन को यूज़ करते हैं ना केवल कॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस, और टेंजेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग टेन वर्ड को, और कोटेंजेंट के लिए यूज़ करते हैं केवल कॉट वर्ड को, देखो कोटेंजेंट ये तीन लेटर से बना, कॉट। अब देखो ये जो सेकेंड है ये तीन लेटर ले लो, सेक से बना है, लेकिन अब कॉसेक की बात करूँ अगर मैं इसका थ्री लेटर लूँगा तो क्या बनेगा, कॉस, वो तो ऑलरेडी पहले आ चुका है, इसलिए अब क्या करना होगा, इसके अगर ई तक लूँगा तब भी यह कॉस ही उच्चारण आएगा मेरा, तो इसका मतलब मुझे एक लेटर और आगे जाना होगा, सी तक आते हैं और वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कॉसेक। तो इस प्रकार से ये इनका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इनको मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन यह जब भी यूज़ होगा ना वो क्या होगा, किसी न किसी एंगल के साथ यूज होगा। तो ये बात हो गई इसकी, ठीक है। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि एंगल के साथ जब मैं इसे यूज़ करूँगा तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो मैं इस अब बेसिक जो फार्मूला है तुम्हारा रेशियोज से रिलेटेड, मैं उन फार्मूला को तुम्हारे सामने में लाने जा रहा हूँ, तो गौर से देखना इस फार्मूला को। अगर मैं बात करूँ साइन की, ठीक है, इसको किसी एंगल में लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल का कोई जो है एंगल ए बी सी डी ऐसा कुछ ले नहीं रहे, हम डायरेक्ट एंगल को क्या यूज़ कर रहे हैं, थीटा, क्योंकि एंगल को जो डिनोट किया जाता है ना वो थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगल भी क्या है, तो एंगल जो है तो उसका भी एक ऐसा यूनिट होता है, इसका एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, और उसको जब भी यूज़ किया जाता है उसको थीटा से यूज़ किया जाता है, यह भी एक क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट ही है, जैसे अल्फा बीटा गामा है वैसे ही थीटा उसी की एक वर्ड है, एक जो है लेटर है। तो साइन थीटा, जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये थीटा जो भी एंगल को डिनोट कर रहा होगा उस एंगल में जब मैं साइन लगाऊंगा ना तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और बाय बाय
क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ठीक है। तो हाइपोटेनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं बात करूं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है तो परपेंडिकुलर को क्या यूज करेंगे हम लोग पी और हाइपोटेनस को एच। तो ये पी बाई एच साइन थीटा का हमारा क्या होगा वो फॉर्मूला हो गया एक शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपना अगला कॉस थीटा को, मैं इसी ऑर्डर में लूंगा एक एक करके इसी ऑर्डर में मैं लेता जा रहा हूँ। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जानते हो, ये होगा तुमको बेस, क्या होगा बेस कॉस देखो क्या होगा बेस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस एकदम याद कर लेना है, ये सारा फॉर्मूला काम देने वाला है। बेस बाय हाइपोटेनस शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे बी बाई एच। ओके अब मैं बात करूं अपना अगला क्या है मेरा टेन, क्या आने वाला है टेन आने वाला नहीं टेन थीटा, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा परपेंडिकुलर, गौर से देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, किसका टेन का, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा पी बाय बी। ओके अब बात करने जा रहा हूं कॉट थीटा की, अगला क्या है मेरा कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेस, क्या होगा फॉर्मूला याद कर लो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करूं तो क्या होगा बी बाय पी। अब बात करूं अपना अगला जो ऑर्डर में आ रहा है क्या है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो गौर से देखना इसका सेक का फॉर्मूला क्या होगा हमारा हाइपोटेनस, क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस, क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, किसका फॉर्मूला सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाय बेस, यानी बोले तो एच बाय बी हमारा ठीक है एच बाय बी। अब आखिरी जो है मेरा वो है कॉसेक, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा गौर से देखो कॉसेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस, क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लेना है आज ही और शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा एच बाय पी। तो ये सब फार्मूला जो है ये सारे क्या है रेशियोज के फॉर्मूला, तुम गौर से देखो दो साइड के रेशियो है, ये क्या है दो साइड के रेशियो है, चूंकि ये रेशियो है ना इसलिए उनको क्या कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहलाते हैं भाई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियोज होते हैं। इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लो और अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ अपने प्रोडक्ट फार्मूला की ओर, लेकिन एक बात पर ध्यान दे दो तुम जरा गौर से, इन साइन और कॉस्टेक को एक बार गौर से देखो, साइन का फॉर्मूला क्या है पी बाई एच और कॉस्टेक का क्या है एच बाय पी, क्या लग रहा है ये दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल, देखो ये पी बाई एच और ये एच बाय पी, दैट मीन्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कौन साइन और कॉस्टेक। कॉस और सेक पर थोड़ा ध्यान दो, एकदम कॉस और सेक पर, कॉस का फॉर्मूला क्या है भाई बी बाई एच और सेक का क्या है देखो एच बाय बी, यानी कि अगर ये मुझे पता है कौन किसका रेसिप्रोकल है ना तो मैं आराम से उसके फॉर्मूला को फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कॉस है बी बाय एच और सेक क्या है मेरा एच बाय बी, उसी तरह टेन और कॉट को जरा गौर से देखो ये क्या है पी बाय बी और ये बी बाय पी, दैट मीन्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ रहा है। टेन का रेसिप्रोकल कौन आ रहा है कॉट आ रहा है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन आ रहा है सेक और साइन का कॉसेक। तो इन बातों को ध्यान रख लो और इसी से रिलेटेड है मेरा प्रोडक्ट फार्मूला। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट फार्मूला पर, इन सभी फार्मूला को नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट फार्मूला की, तुम लोगों ने अभी क्या देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला, अब किसकी बात करेंगे हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला। क्या है प्रोडक्ट फार्मूला, अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था मैंने कौन किसका रेसिप्रोकल है, अगर ये बात तुम्हारी बात में समझ में आ गई जैसे कि साइन और कॉसेक क्या था रेसिप्रोकल, टेन और कॉट क्या था रेसिप्रोकल, सेक और कॉस क्या था आपस में रेसिप्रोकल, तो इसी रेसिप्रोकल से बना है हमारा प्रोडक्ट फार्मूला। गौर से देखो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ अपना प्रोडक्ट फार्मूला, क्या है ये प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला क्या है भाई, ये प्रोडक्ट क्या है, ये कोई सामान नहीं है जिसका नाम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मैं अपने अपना पहला फॉर्मूला देखो क्या है साइन और कॉसेक, अभी तुमने क्या देखा था कि साइन और कॉसेक क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा, चूंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, और इनकी वैल्यू निकल के आएगी 1। ये है मेरा प्रोडक्ट फार्मूला कि साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट जो है ना वो 1 होता है। इससे तुम्हारे सामने दो फार्मूला निकल के आएंगे। नंबर फर्स्ट, अगर तुम साइन की वैल्यू लाओगे तो क्या आएगा, साइन थीटा का ये कॉसेक उधर ट्रांसफर करो, क्या रिजल्ट आएगा, 1 बाई कॉसेक। कॉसेक मल्टीप्लाई में है तो जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाई कॉसेक थीटा। और जो दूसरा फॉर्मूला आएगा तुम्हारे सामने ना, वो किसका आएगा, कॉसेक का आएगा। क्या आएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो साइन को उधर कर दो, डिवाइड में ले जाओ, तो क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा। तो ये है इन प्रोडक्ट फार्मूला का रिजल्ट, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। साइन थीटा इजिकल टू 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इजिकल टू 1 बाय साइन थीटा। ओके, अब मैं बात करूँ अपने सेकेंड जो प्रोडक्ट फार्मूला में है मेरा। अभी तुमने देखा था कॉस और सेक एक दूसरे के क्या थे, रेसिप्रोकल, तो वही आने वाला है मेरा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इससे रिजल्ट सामने में आएगा 2, एक होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, क्या होगा भाई, 1 बाय सेक थीटा। ओके, इतना तो तुम समझ ही गए होगे, कर भी रहे होगे। और सेक का फॉर्मूला क्या आएगा बता दो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कॉस थीटा। ओके, 1 बाय कॉस थीटा। अब मैं अपने थर्ड फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या देखे थे हम लोग, टेन और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, है ना। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इससे जो सामने में आएगी रिजल्ट, वो टेन थीटा का क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा। बहुत अच्छा। और कॉट की अगर मैं बात करूं तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट फार्मूला। इन प्रोडक्ट फार्मूला का काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में। तो जितने भी फार्मूला मैं बता रहा हूं, चाहे वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज थे या हमारा प्रोडक्ट फार्मूला है, और आगे मैं बताऊँगा तुम्हें आइडेंटिकल फार्मूला जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर एक फार्मूला तुम्हारे सामने और लिख दूँ जो कि स्पेशल है, दो फार्मूला देने जा रहा हूँ। एक है टेन थीटा, देखो गौर से, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, और पांचवा फॉर्मूला दे रहा हूं कॉट का, क्योंकि कॉट थीटा भी क्या जाने हम लोग कि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला क्या आएगा जानते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला होगा ये कॉट का होगा। देखो साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, दैट मीन्स रेसिप्रोकल है। अगर यह बात हमारे माइंड में एडजस्ट हो जाए कि टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो आराम से हम उसके रेशियोज वाले फॉर्मूला को भी देख सकते हैं, और इन दोनों में से भी किसी को एक को ही याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे फार्मूला तुम्हारे बहुत ही काम आने वाले हैं, इन सबको नोट कर लो और इसे याद ही कर लेना है। और उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी की चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। अगर इन क्वेश्चनों को तुम सावधानी से देखोगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज तुमसे बन जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज दैट मैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, वो गौर से देखो, मैं साइन ले रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो मैं सामने √3/2, देखो साइन थीटा इजिकल टू √3/2, और मुझे फाइंड करने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कि फाइंड ऑल टी रेशियोज, टी रेशियोज जो है सारे वो मुझे फाइंड करने हैं, यानी कि साइन मुझे दिया गया है, और साइन के बाद और कौन कौन बच गए हमारे सामने, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सारे टी रेशियोज को मुझे फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। तो एट फर्स्ट मुझे जो सब क्वेश्चन दिया गया है ना, इसी से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो गौर से, एट फर्स्ट मैं बात करता हूँ साइन थीटा जो मुझे दिया गया है, इनका जो फार्मूला मैंने बताया था ना टी रेशियोज वाला, उन फार्मूला को मैं लेने जा रहा हूँ कि नाउ यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो है √3/2। ओके, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लेकर चल रहा हूँ, तुम्हारा सॉल्यूशन।
ओके। और साइन का मैंने फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया था, पी बाई एच, ओके। पी बाई एच का वैल्यू हो गया रूट थ्री बाई टू। इसका मतलब क्या हो गया कि पी और एच का जो रेशियो है ना वो रूट थ्री रेशियो टू है। इसका मतलब यहाँ मैं मान लूँ इसको कि लेट पी इजिकल टू रूट थ्री एक्स, ठीक है। पी को मैं रूट थ्री एक्स ले रहा हूँ और एच को लेने जा रहा हूँ टू एक्स, ओके। तो पी को मैंने क्या ले लिया रूट थ्री। स्टूडेंट्स, इन वैल्यू चार्ट में जो आज हम तुम्हें ट्रिक बताने जा रहे हैं, यह ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस ट्रिक के मेथड से बहुत ही कम समय में इन सारे वैल्यू चार्ट को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, इस डिग्री वैल्यूज़ की स्टार्ट मैंने कहाँ से की है, जीरो से स्टार्ट की है, जीरो, थर्टी, फोर्टी फाइव, सिक्सटी, नाइन्टी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, जीरो से स्टार्टिंग हुई है ना। तो अपनी गिनती जो है ना हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जीरो लिया, अगला वन, टू, थ्री, फोर। कितना सिंपल है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अपनी काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ओके। अब इन सबको क्या करना है, फोर से डिवाइड करना है। देखो, सबको फोर से डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और आसानी से यह याद भी रहेगा और तुम, मुझे उम्मीद है कि भूलोगे नहीं तुम। और अब क्या करना है, इन सब पर रूट डाल देना है। इन सब पर क्या करना है, रूट डाल देना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। कितना सिंपल सा ये टेक्निक है और इस वैल्यू को फाइंड करना कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हम तो जानते हैं कि अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो ही होगा। इसका मतलब ये रूट अंडर जीरो होगा और जीरो का रूट जीरो ही रहता है, ओके। अब वन बाय फोर की रूट की बात करें तो वन का स्क्वायर रूट क्या होगा, वन होगा, और फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टू। ये वैल्यू निकल का आया वन बाय टू, ओके। यहाँ देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, एट फर्स्ट इसे टू से कैंसिल कर देते हैं। अब ये हो गया वन बाय टू का रूट, वन का रूट तो वन हो जाएगा, लेकिन टू का रूट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये रूट टू रह जाएगा, ओके। अब यहाँ देखो, ये थ्री का रूट क्या होगा, तो ये कम्प्लीटली नहीं निकलेगा बाहर, तो रूट थ्री रहेगा, और फोर का रूट क्या होगा, टू हो जाएगा। और यहाँ तुम देखो गौर से, फोर और फोर वन टाइम्स में कैंसिल होंगे, और यहाँ वन का रूट अगर निकालोगे तो क्या होगा, तो वन ही होगा। तो अब तुम देखो, यहाँ जो मुझे वैल्यू आई है, जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, और ये वन, ये सारे के सारे वैल्यू हमारे साइन के हैं। साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो आराम से इसे लिख दो जीरो डिग्री, ठीक है। साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाय टू है, इसको वन बाय टू लिख दो। साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू होती है, तो यहाँ वन बाय रूट टू लिख देते हैं। साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है, तो यहाँ रूट थ्री बाय टू लिख देते हैं। और साइन नाइन्टी की वैल्यू वन होती है, तो वन लिख देते हैं। कितना सिंपल से हम साइन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि इन साइन की वैल्यूज़ को जो है ना इस तरह से घुमा देना है, ठीक है, इसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल नहीं, इसे उल्टा करना है। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी ना, वो वैल्यू यहाँ चली आएगी। देखो, वन यहाँ आ जाएगा, रूट थ्री बाय टू यहाँ आ जाएगा, वन बाय रूट टू यहाँ दे देना मुझे, वन बाय टू वहाँ हो जाएगा, और ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर एक मिरर रख देंगे तो क्या होगा, तो ये मुझे पहला इमेज बनेगा, ये मुझे सेकंड इमेज बनेगा, ये मेरा थर्ड इमेज होगा। तो उसी हिसाब से ये इमेज को मैंने रखा है। तो तुम देख सकते हो कि साइन की इस वैल्यू को एज ए मिरर कर दिए हमने, और यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह की वैल्यू आ गई कॉस की। तो बहुत ही आसानी से साइन अगर फाइंड हो जाता है, और इसे फाइंड करना बहुत ही आसान है इस ट्रिक के मेथड से, और अगर साइन की वैल्यू हमको निकल गई ना, तो कॉस भी बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है, ओके। अब मैं बात करूं टेन की, तुम्हें याद होगा मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि टेन थीटा की जो वैल्यू बताई थी ना, वो थी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बताया था ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करने से आता है मुझे टेन थीटा, ओके। तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए मुझे करना क्या है कि साइन की जो वैल्यू है ना, इसको कॉस से डिवाइड करते हुए जाना है। और जैसे ही डिवाइड करूंगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो टेन का रिजल्ट आएगा। तो जीरो को वन से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा भाई, तो जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट जीरो ही होता है। अब वन बाय टू को अगर रूट थ्री बाय टू से हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये समझ लो ये डिवीजन का लाइन है, तो क्या होगा, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर टू है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन बाय रूट थ्री। इसका मतलब उसकी वैल्यू वन बाय रूट थ्री हो जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक इक्वल है दोनों। तो दो इक्वल को अगर जब भी डिवाइड करो ना, जैसे ए बाय ए वैल्यू क्या होगा, वन, टू बाय टू वैल्यू होगा वन, उसी तरह से वन बाय रूट टू बाय वन बाय रूट टू रिजल्ट होगा वन। तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू निकल गई वन। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो टू टू कैंसिल होगा, बचेगा रूट थ्री बाय वन,
यानी कि रूट थ्री, ये होगा तुम्हारा 1060 का वैल्यू। और 90 की बात करो, 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो किसी भी नंबर, दुनिया के किसी भी नंबर को ना अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड टर्म होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, तो लोग इसको अनडिफाइंड टर्म के लिए इन्फिनिटी का यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग इन्फिनिटी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द अनडिफाइंड। ओके, अब कॉर्ड की बात करते हैं तो ट्रेन का मिरर कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो क्या होगा, पहला इमेज ये बनेगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो उसी हिसाब से देखो, फर्स्ट क्या होगा, इन्फिनिटी, सेकंड क्या होगा, रूट थ्री, थर्ड क्या होगा, वन, उसके बाद वन बाय रूट थ्री एंड द फाइनल योर जीरो। तो ये मुझे कॉर्ड की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसानी से हमने ट्रेन और कॉर्ड की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/cos θ। दैट मीन्स सेक जो होता है ना, वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की जो वैल्यू आई है ना, उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमें फाइंड हो जाएगा सेक की वैल्यू। तो कैसे, तो देखो कॉस की वैल्यू क्या है, वन, वन को एज ए फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, और उसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1, दैट मीन्स 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो सेक 0 की वैल्यू कॉस 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1 हुआ। अब सेक 30 की वैल्यू की बात करूं मैं, तो कॉस जो 30 की वैल्यू है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, ये रूट 3/2 है, तो क्या करना होगा मुझे, 2/√3 कर देना, क्या करना मुझे, 2/√3। अब अगर मुझे सेक 45 की वैल्यू निकालनी है ना, तो कॉस 45 की जो वैल्यू है ना, उसका रेसिप्रोकल कर देना मुझे, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, दैट मीन्स √2। अब मैं अगर बात करूँ अपने सेक 60 की वैल्यू ना, तो सेक 60 की वैल्यू के लिए क्या करना है, कॉस 60 की जो वैल्यू है ना, उसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, दैट मीन्स 2। और अब फाइनली सेक 90 की वैल्यू की बात करूँ ना, तो कॉस 90 की जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल, तो 0/1 है यह, और इसका रेसिप्रोकल 1/0। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर को अगर 0 से डिफाइन करो तो जो रिजल्ट होता है वो अनडिफाइंड होता है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुमको अनडिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। और कॉसेक की वैल्यू, वैसे तो कॉसेक की वैल्यू हम सेक को मिरर करके भी फाइंड करेंगे, लेकिन अगर हम वैसे भी फाइंड करना है, अगर साइन की वैल्यू याद है तो मुझे क्या करना है, जो अपना कॉसेक है ना, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन को अगर रेसिप्रोकल कर देना तो भी कॉसेक हम फाइंड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, वहाँ यहाँ फिलहाल हम तुमको सेक का मिरर करके बता रहे हैं कि सेक का अगर मिरर करेंगे तो फर्स्ट इमेज ये होगा, सेकेंड इमेज ये होगा, थर्ड इमेज ये होगा, और इसी हिसाब से हम अपने इमेजेस को रखते हैं। तो देखो इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, 2/√3 हुआ, और ये 1 हो गया। तो ये हो गया ट्रिकी मेथड। वैसे भी अगर तुम साइन का रेसिप्रोकल करो तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ वैल्यू चार्ट। उम्मीद कर रहा हूँ तुमने इस ट्रिक को आराम से समझा होगा और इस मेथड से इसको कभी भी फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट, ट्रिक हमेशा ट्रिक होता है, इस वैल्यूज़ को हमेशा मुझे याद रखना चाहिए, क्यों कि इन वैल्यूज़ की हमेशा मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी। जब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उस वक्त क्या होगी कि वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे केवल एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ी ना, सपोज अगर 1030 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ा मुझे, सपोज दैट ये मान लो कि मुझे 1030 की वैल्यू चाहिए, तो क्या एक वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम पूरा का पूरा चार्ट फाइंड करेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे वैल्यू को सेपरेटली याद रखना भी है। ये ट्रिक हो गया, अगर तुम भूल जाते हो तो इससे तुम फाइंड करोगे, लेकिन इन वैल्यूज़ को याद भी कर लोगे। तो याद करना बहुत ही सिंपल है, केवल साइन की वैल्यू को अगर ढंग से तुमने याद कर लिया ना, तो साइन की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो गई तो ये सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तुम देख सकते हो मैंने केवल साइन का ही वैल्यू फाइंड किया था, तो साइन की वैल्यू के लिए ट्रिक को याद रखना बहुत ही आसान है। और अगर साइन की वैल्यू तुम्हें याद हो गई तो समझो सारे वैल्यू चार्ट फाइंड कर लोगे। अब जैसे कि साइन अगर मुझे 60 की वैल्यू चाहिए, तो 60 का पोजीशन क्या है भाई, देखो 0 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, 45 हुआ, 60, ये फोर्थ पोजीशन है, यानी 3/4 का रूट, दैट मीन्स √3/2। तो आराम से हमसे फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू। और साइन की वैल्यू आ गई ना, तो कॉस
कॉस की वैल्यू जो है इस हिसाब से मिरर के हिसाब से समझ लो। अगर साइन कॉस तुम्हें याद हो गया ना, मेनली साइन कॉस अगर याद हो गया ना, तुम किसी भी वैल्यू को कभी भी फाइंड कर सकते हो। टेन निकालने के लिए जैसे अगर मुझे सपोज दैट अगर मुझे टेन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना, तो सीधी सी बात है कि साइन 30 डिग्री को कॉस 30 डिग्री से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 होती है √3/2, तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारा 2 और 2 आराम से कैंसिल होगा और ये 1/√3 हो जाएगा। यानी कभी भी तुमको जो है ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइन कॉस की वैल्यू तुम्हें याद है, तुम आराम से किसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीरीज में, जहां पर हम आज बहुत प्रकार की चीज़ों को बताने जा रहे हैं। एट फर्स्ट हम इस ग्राफ में क्वाड्रेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट को तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट में क्या होता है, कि ये जो मेरा होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है जो इधर पॉजिटिव होती है, ये मेरी एक्स एक्सिस है जो इधर नेगेटिव होती है, ओके। और ये वाई एक्सिस है हमारी जो ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे क्या होती है, ये नेगेटिव होती है। मैंने यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो होता है, जहाँ पर कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस के जो वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, तो ये आता है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर ये आता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद फाइनली ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इस क्वाड्रेंट में आज ये जो हमारा टॉपिक है, ये चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बातों को करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एट फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, हमारे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये सारे जो है हमारे क्या है, सारे यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होंगे। जब वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जब वह सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कॉसेक है, ये चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनके वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रेस्ट हमारा बच गया, कॉस कॉस के बाद सेक टेन कॉट, ये सारे नेगेटिव होंगे। उसके बाद जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, यह क्वाड्रेंट है टेन और उसके रेसिप्रोकल कॉट का। तो इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो है ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रेस्ट बच गए यहाँ पर साइन कॉसेक और कॉसेक, ये हमारा नेगेटिव होगा। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक यहाँ पर पॉजिटिव है और जो रेस्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, वो हमारे नेगेटिव आने वाले हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है तुम्हारा, और इस सारे क्वाड्रेंट में किस कौन सा क्वाड्रेंट किस चीज के लिए यूज में आएगा, मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो एट फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, 0 और 90 के बीच है। ये क्या है, 0 और 90 के बीच है। अगर इस क्वाड्रेंट में अगर मैंने एक्स एक्सिस को यूज किया ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 + θ। क्या आएगा, 0 + θ, इसका मतलब केवल थीटा रह जाएगा। यानी अगर मैं इधर से एंगल बनाऊं ना, इधर से एंगल बनाकर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर इधर से एंगल बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, केवल थीटा होगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा आएगी। यानी इस वैल्यू को अगर मैं एक्स एक्सिस से फाइंड करूंगा ना, तो इसका वैल्यू होगा थीटा। अब यहाँ साइन लगाएंगे तो साइन थीटा, कॉस लगाएंगे तो कॉस थीटा। लेकिन अगर इसी एंगल की वैल्यू मैंने इधर से निकालना है, इस एंगल को निकालना है, देखो इस एंगल को अगर निकालना है ना, तो यहाँ पर वाई एक्सिस का यूज किया जा रहा है, तो ये लिखा जाएगा 90 - θ। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ये एंगल मेरा थीटा है ना, तो ये एंगल क्या बचेगा मुझे, 90 - θ होगा, ओके। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट अगर इस क्वाड्रेंट में मैं आऊँगा तो क्या रिजल्ट होगा, जब गौर से देखते हैं इस क्वाड्रेंट में, अगर ये रेज घूमते घूमते, ये अगर ट्रेवल करते करते ये रेज सपोज दैट यहाँ चला आता है, सपोज दैट देख लो, अगर ये रेज यहाँ चला आता है ना, तो अब ये जो वैल्यू आने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आने वाली है ना, वो क्या आने वाली है, ये आने वाली है 90। अगर ये एंगल हमारा थीटा है ना, ये एंगल मुझे अगर थीटा है ना, तो ये 90 से ज़्यादा हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मुझे 90 + θ का एंगल। क्या हो जाएगा ये 90 + θ का एंगल होगा, ये 90 डिग्री से थीटा ज़्यादा है। इसका मतलब ये 90 + θ का वैल्यू होगा, ओके। और अगर इसी को
हम अगर वो एक्स एक्सिस का यूज करेंगे, चूंकि अगर वाई एक्सिस को यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 90 की एक्सिस है, ये 90 की लाइन है, ये जीरो की लाइन है, ये पूरा देखो ये 180 की लाइन है, मैं यहां लिख देता हूं, ये जीरो की लाइन है, ये क्या 90 डिग्री की लाइन है, ये देखो ये है तुम्हारा 180 डिग्री का लाइन है, और इसकी मैं बात करूं कि ये 270 डिग्री का लाइन है, और ये वापस अगेन अगर लौट कर एक हमारा जो रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा ना, तो अगेन ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, यानी जीरो और 360 जो है ना उसकी सेम लाइन है। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अगर ये मैं इसको y एक्सिस को यूज करूं ना, तो ये 90 की एक्सिस है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। लेकिन इसी एंगल के लिए अगर मैं इस x एक्सिस का यूज करूं ना, तो उसका क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। गौर से देखो तो ये एक ही एंगल, ये 90 प्लस थीटा है और ये क्या है हमारा 180 माइनस थीटा। अब उसी की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये क्वाड्रेंट क्या है, ये 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो इसमें क्या होगा कि अगर x एक्सिस का यूज करूंगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा, और अगर मैं y एक्सिस को यूज करूंगा तो क्या होगा, ये 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ओके, अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं ना, तो ये क्या है, 270 डिग्री से ज्यादा है, तो अगर मैं y एक्सिस को यूज करूंगा तो यहां पर जो वैल्यू आने वाली है वो 270 डिग्री प्लस थीटा आने वाली है, और अगर x कोऑर्डिनेट को अगर मैं यूज करूंगा, इसको x एक्सिस को यूज करूंगा, तो यहां पर क्या होगा, ये 0 माइनस थीटा, ये 0 माइनस थीटा को अगर यूज करूंगा तो 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा, और अगर 360 को यूज करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों जो है वो एक्स एक्सिस को यूज करने पर आएंगे, माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री को सहारा मानेंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा होगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा माइनस थीटा, और अगर 360 को यूज करेंगे तो 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स 360 माइनस थीटा। तो इतने प्रकार के एंगल्स यहाँ आने वाले हैं, जहाँ हमारा आने वाला है थीटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, एंड फाइनली वापस अगर रिटर्न होकर यहाँ आ गए ना, अगर एक रेवोल्यूशन को पूरा करके अगर यहाँ आ गए ना, तो ये हो जाएगा वापस 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इतने प्रकार के एंगल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन सारे फार्मूला को तुम लोग एक ही बार में अंडरस्टैंड कर लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर तुम शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहते हो, इस वीडियो को देखते हो, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज तुम्हारे लिए क्लियर होने वाला है, जो तुम्हें 10th ही नहीं 11th 12th तक में भी या और उससे भी आगे जब तक तुम इसको यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्री, ये तुम्हारा हेल्प करता रहेगा। तो आगे देखते हैं कि एट फर्स्ट इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट इसमें देखना क्या है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस को यूज़ करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर x एक्सिस को हम लोग यूज करें ना, तो x एक्सिस में होगा नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना है। ये सारे जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको एकदम गौर से देखना है और इसे ध्यान रखना है कि अगर मैं x एक्सिस को यूज करूँगा तो किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आने वाली है, सारा का सारा जो है वही रहेगा, सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर मैं y एक्सिस को यूज करूँ ना, अगर मैं y एक्सिस को यूज करूंगा ना, तो इसमें चेंज होगा, क्या होगा, इसमें चेंज होगा, y एक्सिस में क्या होगा, चेंज होगा। तो अब ये समझ में आता है कि x एक्सिस तो नो चेंज है, y एक्सिस में चेंज होने वाला है, तो किस प्रकार की चेंजिंग होने वाली है, हम इसको देखते हैं। तो देखो इस चेंजिंग क्या होने वाली है, तो चेंजिंग के विषय में समझ लो कि चेंजिंग ऐसी होने वाली है ना कि साइन जो थीटा है ना वो कन्वर्ट होने वाला है कॉस थीटा में। साइन किस में कन्वर्ट होने वाला है, कॉस में कन्वर्ट होने वाला है। फिलहाल यहाँ मैं थीटा को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉस में कन्वर्ट होगा, और कॉस अगेन अगर कॉस रहेगा ना, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान से सोचना है, इसको देखना है ध्यान से कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। अगर मैं टेन की बात करूँ तो टेन जो है हमारा वो कॉट में कन्वर्ट होने वाला है, किस में होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, और अगेन अगर कॉट की बात करूं तो वह टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेक थीटा की बात करूँगी, सेक की बात करूँ ना, तो वो कॉसेक में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, सेक यहाँ कॉसेक में चेंज होगा, और अगर कॉसेक की बात करूँ तो वह सेक में चेंज होगा। तो इस प्रकार की चेंजिंग हमें आएगी कब,
जब हम y एक्सिस को यूज करेंगे। y एक्सिस को यूज करेंगे इसका मतलब कि जब हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे या 90 प्लस थीटा की बात करेंगे या 270 माइनस थीटा, ये भी y एक्सिस का ही यूज है, 270 माइनस थीटा का यूज करेंगे या 270 प्लस थीटा का यूज करेंगे, इन चारों के फॉर्मूला में क्या होगा तो इस प्रकार की चेंजिंग हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम x एक्सिस को यूज करेंगे दैट मीन्स प्लस थीटा की बात करूँ या 360 प्लस थीटा जो इसी का नाम है, अगर मैं इसकी बात करूँ या माइनस थीटा की बात करूँ, 360 माइनस थीटा की बात करूँ, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा की बात करूँ, तो इन सभी में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो एट फर्स्ट में हम लोग इसके फार्मूला को देखते हैं कि क्या होने वाला है और इनके इन फार्मूला में ये जो हमारा क्वाड्रेंट है इसका क्या पोजीशन है, हम इस पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने थीटा में। तो थीटा की अगर बात करूं तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, और थीटा में जो हमारी वैल्यू है ना, जो मैंने पहले अपने पिछले लेक्चर में बताया है, साइन 30 कॉस 30 डिग्री या साइन 45 कॉस 45, जस्ट लाइक वही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आने वाली है। यानी सीधा थीटा में किसी प्रकार की कोई नई बात तुमको नज़र नहीं आएगी, वही बात रहेगी, साइन थीटा दैट मीन्स साइन 30। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, गौर से देखो मैं तुम्हें फार्मूला देने जा रहा हूँ, 90 माइनस थीटा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, जो हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और क्लास टेंथ में जो है केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सावधानी से देख लो कि क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला, क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला, क्या होगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा का फार्मूला, क्या होगा कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला, सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला, और लास्टली कॉस सेक जो है 90 माइनस थीटा, इसका क्या फार्मूला आने वाला है, इन सभी फार्मूला को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट मैंने क्या कहा कि हमने किस एक्सिस को यूज़ किया इसे देखना है, ये सारा 90 वाला है दैट मीन्स हमने वाई एक्सिस को यूज़ किया है, और वाई एक्सिस को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा चेंजिंग होने वाला है, तो साइन बदल के हो जाएगा कॉस, यानी साइन अगर यहाँ है 90 माइनस थीटा में तो यहाँ मुझे इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस, और ये 90 हट जाएगा और ये हो जाएगा थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस का यूज़ किया गया है और वाई एक्सिस के यूज़ करते ही साइन बदल जाएगा कॉस में, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा होगा। अब यहाँ एक बात को देखना है कि हम जो साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, इसको देखना है कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। तो 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं ना रेशियोज, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका जो भी फार्मूला आएगा ये सारे का फार्मूला क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा, मुझे कहीं नेगेटिव साइन नजर नहीं आएगा। क्यों, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ की ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब कॉस की अगर मैं बात करूँ तो कॉस किस में चेंज होगा, देखो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा होगा। टेन चेंज हो रहा है किस में, कॉट में ना, तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और उसी तरह से कॉट चेंज हो रहा है टेन में तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा तो ये कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक सेक में, इसलिए कर कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये फार्मूला जो है ना ये क्लास टेंथ के लिए स्पेशली है, और यह फार्मूला क्लास टेंथ में पूछेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो इतने ही फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब हम टेंथ से आगे की बात करते हैं ये सारा का सारा फार्मूला काम में आता है, और वो सारा फार्मूला बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। सपोज दैट अगर 90 माइनस थीटा के बाद मैं 90 प्लस थीटा की बात करूँ ना, तुम एक मिनट में इस फार्मूला को निकाल पाओगे, तो कैसे निकाल पाओगे मैं थोड़ा जिस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब गौर से देखो। सपोज दैट अगर हमारे सामने फार्मूला ऐसा हो कि साइन 90 प्लस थीटा का क्या होगा भाई, कॉस 90 प्लस थीटा का क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा का क्या होगा, तो मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, दो तीन लेकर दिखा रहा हूँ तुमको, अगर सेक सपोज दैट यहाँ पर मैं कॉट की बात करूँ, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो मगर मैं इस फार्मूला की बात करूं तो देखो इसका फार्मूला क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि ये 90 का यूज़ किया गया है, किसका यूज़ किया गया है 90 का, 90 मीन्स वाई एक्सिस,
90 मीन्स क्या होता है, वाई एक्सिस का यूज किया गया है, और वाई एक्सिस का यूज करेंगे तो चेंज होगा, साइन किस में होगा, कॉस में होगा। तो सीधी सी बात है, साइन किस में होगा, कॉस में होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है भाई, किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस एक ही पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे यहाँ नहीं देखना ये क्या है, मुझे ये देखना ये क्या है, ये साइन है ना, इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है ना, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पॉजिटिव होगी, यानी प्लस साइन होगा, तो यहाँ पर कोई साइन लिखना नहीं है। अब कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। अब कॉस को देखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस का साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन और कॉसेक के अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब कॉस हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला में नेगेटिव साइन होगा। ओके, टेन का क्या होगा भाई, टेन हमारा बदलेगा कॉट थीटा में, और टेन भी जो है ना साइन और कॉसेक से डिफरेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से इसका भी वैल्यू नेगेटिव होगा, और कॉट भी हमारा क्या होगा, ये टेन में बदलेगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सेक क्या होगा, ये कॉसेक में बदलेगा, और सेक जो है ना वो भी हमारा क्या है, साइन और कॉसेक से डिफरेंट है, जिसमें रेस्ट में आएगा, यानी ये भी नेगेटिव होगा। वहीं कॉसेक क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा सेक थीटा में, लेकिन कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव होगी। तो कितना आसान है इस फॉर्मूलों को फाइंड करना, अगर तुम इस चेंज को समझ लेते हो और इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के खेला का समझ लेते हो तुम, तो बहुत ही आसानी से इन सभी फॉर्मूलों को तुम फाइंड कर सकते हो। अगर अभी तक मैंने जो भी यूज़ किया है ना, ये सारा वाई एक्सिस यूज़ किया है, अब मैं तुम्हें एक्स एक्सिस को यूज़ करने जा रहा हूँ, 180 माइनस थीटा, यानी अगर जब जब हम एक्स एक्सिस को यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो गौर से देखो। अगर मैं 180 प्लस थीटा की बात, माइनस थीटा की बात करूँ, एट फर्स्ट 180 माइनस थीटा के केस में क्या होगा कंडीशन, यहाँ मैं एक्स एक्सिस को यूज़ करने जा रहा हूँ, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट में कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो जरा गौर से देखो, इन फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। ये एट फर्स्ट तुम देखो कि किस एक्सिस को यूज़ किया गया भाई, 180 डिग्री एक्स एक्सिस है, और मैंने क्या कहा कि एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, दैट मीन्स कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, या साइन थीटा ही रहेगा। अब क्वेश्चन है कि इसका साइन क्या होगा, तो साइन का साइन ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन का साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन और कॉसेक का जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव रहेगी, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा। वहीं अगर कॉस की बात करूँ तो कॉस भी चेंज नहीं होगा, कॉस तो कॉस में रहेगा, चूंकि एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होती। अब केवल हमको क्वाड्रेंट देखना है कि कॉस किस क्वाड्रेंट में है, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। टेन भी नेगेटिव होगा तो ये भी माइनस टेन थीटा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कॉट भी नेगेटिव होगा, ये माइनस कॉट थीटा ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आ रही चूँकि एक्स एक्सिस है। सेक हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये भी सेक ही रहेगा, लेकिन सेक भी हमारा जो है वो रेस्ट में आता है, इसलिए इसका भी साइन नेगेटिव होगा। वहीं कॉसेक भी हमारा कॉसेक ही रहेगा, और कॉसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन कॉसेक क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। तो कौन सा नेगेटिव आएगा और कौन सा पॉजिटिव आएगा, उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं बात करूं इस 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तुम गौर से देख लो कि 180 प्लस थीटा अगर रहता तो क्या होता। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं ना, तो बहुत ही आसानी से तुम इसको फाइंड कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि साइन, अब मैं दो तीन को केवल बता रहा हूं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, उसके बाद मैं बता दूं तुमको कि अगर ये टेन रहेगा 180 प्लस थीटा ना, तो क्या वैल्यू आएगी, या अगर मैं यहाँ पर एक सेक भी ले लेता हूँ, चलो 180 डिग्री प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी। सीधी सी बात है, मैं केवल तीन निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी तुम अपने से फाइंड कर सकते हो। तो 180 प्लस थीटा एट फर्स्ट किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस थीटा को तुम गौर से देखो, ये है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो है टेन और कॉट का, यानी केवल टेन और कॉट ही यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक्सिस कौन सा, 180 प्लस थीटा में किस एक्सिस को यूज किया जा रहा है,
तो एक्स एक्सिस को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी, साइन का साइन ही रहेगा, साइन साइन थीटा रहेगा, टेन टेन थीटा रहेगा और सेक हमारा सेक थीटा रहेगा। और अब साइन की बात करूं कि यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो मैं अगर देखूं कि साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होता है, इसका मतलब साइन भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, केवल टेन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसकी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से फाइंड की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें तुम्हें अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इस प्रकार से तुम बहुत सारे फॉर्मूलों को खुद ब खुद फाइंड कर सकते हो। अगर मैं 270 की बात करूँ ना, तो जैसे कि साइन 270 प्लस थीटा का क्या होगा भैया, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा क्या होगा, और यहाँ पर मैं टेन भी निकाल के दिखा देता हूँ, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, और सेक भी निकाल देता हूँ तुम्हारे सामने कि 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, बाकी कॉस इसी तरह से निकलेगा और कॉट और कॉसेक भी इसी तरह से निकलेंगे। तो तुम गौर से देखो कि एट फर्स्ट 270 क्या है भाई, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट मीन्स चेंज। साइन किस में होगा तो कॉस में चेंज होगा, टेन किस में होगा तो कॉट में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा तो कॉसेक में चेंज होगा, जैसा कि मैंने बताया पहले भी। अब साइन देखो ये किस क्वाड्रेंट में है भाई, 270 माइनस थीटा, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव, टेन टेन पॉजिटिव होगा और सेक सेक नेगेटिव आ रहा है। तो इस प्रकार से तुम कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हो। अगर 270 प्लस थीटा यूज़ करोगे तो क्या रिजल्ट होगा कि 270 प्लस थीटा में भी क्या होगा हमारा, तो साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, सेक कॉसेक में। लेकिन ये जो 270 प्लस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सेक की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव आएगी लेकिन साइन और टेन जो है वो तुमको नेगेटिव आ जाएगा, बस यही होगी। अगर 360 माइनस थीटा की मैं बात करूँ ना, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस का यूज होगा, तो उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ तो क्या होगा, तो भाई 360 है एक्स एक्सिस, दैट मीन्स नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा कंडीशन कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही केवल प्लस होंगे, रेस्ट नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये साइन है ना, इसको देखना, इसको नहीं देखना, ये है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर टेन की बात करूँ ना, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ ना, तो क्या होगा रिजल्ट, तो टेन टेन में ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, लेकिन टेन का क्या होगा, टेन भी हमारा नेगेटिव होगा, वो रेस्ट में आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। और इसी के अलावा अगर मैं सेक या कॉसेक किसी की मैं बात करूँ ना, यहाँ पर मैं सेक की बात कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा की बात कर लेता हूँ, तो सेक अगर 360 माइनस थीटा ले रहा हूँ ना, तो क्या रिजल्ट होगा, सेक तो सेक में रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, लेकिन सेक जो होगा यहाँ पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से तुम कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हो। और वापस अगर 360 प्लस थीटा की बात जाओगे, तो इसी प्रकार से तुम क्वाड्रेंट को देख लेना, और इस प्रकार से तुम किसी भी प्रकार की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें क्वाड्रेंट का पता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में किस प्रकार की चेंजिंग होती है और किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होता है, अगर ये इतनी सी बात को तुम अपने माइंड में ले लो ना, तो इस प्रकार के किसी भी फार्मूला को तुम कभी भी फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड बहुत प्रकार के सवाल जो है हमारे टेंथ में आते हैं इससे रिलेटेड, और इन सभी फार्मूला से रिलेटेड इलेवंथ और ट्वेल्थ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी आगे यह बहुत काम देता है, तो यह सारा फार्मूला तुम्हारे बहुत ही काम का आने वाला है। इन सभी फार्मूला को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एट फर्स्ट दो बातों को ख्याल रखना है। पहली बात जो है, इसके जितने भी फार्मूला, जो भी इसके कॉन्सेप्चुअल फार्मूला जो है, जिस पर यह चैप्टर बनता है, उसको पूरी तरह से याद रख लेना है। और दूसरा, इस फार्मूला को किस जगह अप्लाई करना है यह भी आना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाओगे। अगर इन दोनों केस में से कोई भी एक केस तुम्हारा कमज़ोर है, या तो तुम्हें फार्मूला याद नहीं है, या तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो यह चैप्टर बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो एट फर्स्ट हम लोग फार्मूला की बात करें कि इसमें कौन कौन से फार्मूला काम में आएंगे। तो एट फर्स्ट तुम्हें याद होगा कि मैंने प्रोडक्ट फार्मूला लिखाया, क्या लिखाया था, प्रोडक्ट फार्मूला। तो जो प्रोडक्ट फार्मूला मैंने लिखाया है ना, उस प्रोडक्ट फार्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद कुछ उसी से रिलेटेड जो और फार्मूले आते हैं, तो उनको, अब मैं बात करूँ
कि इसका एक हेक्सागोनल फार्मूला है। गौर से देखो, हेक्सागोनल फार्मूला, जो हेक्सागोनल फार्मूला है ना, इस फार्मूला का भी जरूरत पड़ता है। ये क्या है हेक्सागोनल फार्मूला, ये मैं बताने जा रहा हूँ। अरे एक हेक्सागोन हम बना लेते हैं, एक हेक्सागोन देखो गौर से, एक हेक्सागोन बना लेते हैं, और इस हेक्सागोन में जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वैसे यूज़ करना है। यहाँ देखो साइन लेना है साइन थीटा, यहाँ लेना है कॉस थीटा, यहाँ लेना है टेन थीटा, यहाँ लेना है कॉट थीटा, यहाँ लेना है सेक थीटा, और यहाँ लेना है अपना कॉसेक थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से हेक्सागोन बनाना है, और इसमें ये नाम जो मैंने लिखा है ना, ये बिल्कुल इसी हिसाब से होना चाहिए। और मुझे जब भी घूमना है ना इसमें, तो क्लॉकवाइज, कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज आना है मुझे। और इससे बनेगा बहुत सारा फार्मूला, जैसे कि तुम बात करो, मैं पहला फार्मूला की बात करूँ इससे अगर जो आ रहा है मुझे, अगर मैं टेन से स्टार्ट करता हूँ, देखो टेन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कि अगर टेन थीटा का फार्मूला लेना है ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऐसे लेना होगा, क्या लेना होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला तुमको काम में आएगा। तो देखो ऐसे हम लोग घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो टेन लिए तो किसी की भी वैल्यू लेंगे ना तो अगला दो का रेशियो होगा, तो इस तरह से टेन लेंगे तो क्या होगा, साइन बाय कॉस, अगर मैं साइन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो कॉस बाय कॉट, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। और अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा का, बताते चलो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट बाय कॉसेक, क्या होगा, कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। और अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉसेक बाय सेक, क्या होगा, कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। अगर नेक्स्ट कॉसेक थीटा की बात करूँ, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, सेक बाय टेन, क्या आएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। और सेक थीटा की फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ रहा है, तो टेन थीटा बाय साइन थीटा। देखो ये सारे के सारे फार्मूले बहुत ही काम के हैं, और इन फार्मूलों का यूज भी होता है, और इन सबको याद कर लेना है। इसके अलावा भी मैंने इस प्रोडक्ट फार्मूला में कुछ और भी स्पेशल फार्मूला दिया था, जैसे कि कॉट का फार्मूला दिया होगा यहाँ पर, कॉट थीटा, क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कॉट है, और टेन यहाँ है, और टेन का फॉर्मूला तो साइन बाय कॉस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तुम देखो कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो वन बाय साइन, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, इसलिए कॉस ऊपर, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस प्रकार का फॉर्मूला को याद रख लेना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने आइडेंटिटिकल फार्मूला से, तो इन फार्मूला को आज ही याद कर लोगे, ताकि इस पर जो हम अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिटी से रिलेटेड फार्मूला, तो देखो मेरा जो फर्स्ट फार्मूला है ना, वो है साइन और कॉस से रिलेटेड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ पर जो कुछ बातों को ध्यान रखना है, तो उसको याद रखना है कि साइन का जो रिलेशन आइडेंटिटी में है ना, वो कॉस के साथ है, और टेन का जो रिलेशन है ना, वो सेक के साथ है, और जो कॉट का रिलेशन है ना, वो कॉसेक के साथ, इस तरह से याद रखना है। इन दोनों के बीच में प्लस का यूज़ किया जाता है, और इन दोनों में हमेशा माइनस में यूज में आते हैं, याद रखना कि माइनस में यूज में आता है। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि इन दोनों में, जैसे यहाँ सेक को बड़ा समझना है और कॉसेक को बड़ा समझना, तो इस हिसाब से तुमको फार्मूला जो है लेने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें स्क्वायर्स होंगे, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आएंगे सब पर क्या होगा, इसमें स्क्वायर होगा, तो साइन और कॉस के बीच में है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस का यूज होगा इसमें, और सारे आइडेंटिटी का जो RHS होगा ना, वो वन होगा। तो ध्यान रखो इससे और भी बहुत सारे जो है सेपरेट फार्मूला बन सकता है। मुझे गौर से देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर को उधर कर दो तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से हम चाहे अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू लाएंगे तो साइन स्क्वायर को उधर कर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और लास्टली अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें, स्क्वायर को उधर कर देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो है
एक आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी से चार फार्मूला आएगा जिनका कि काफ़ी यूज होता है। अगर तुम एक फार्मूले को याद कर लेते हो ना तो ये सारा फार्मूला तो उसी से आ जाएगा, और वो भी याद करना बहुत ही आसान है। इस बात को ध्यान रखना है कि साइन का रिलेशन आइडेंटिटी में कॉस के साथ है, और टेन का सेक के साथ, और कॉट का कॉसेक के साथ। और याद रखना कि प्लस का केस केवल एक में आएगा, बाकी दो में माइनस का केस आएगा। और फार्मूला नंबर टू की मैं बात करूँ अगर, तो टेन और सेक के बीच में आएगा लेकिन माइनस आएगा। मैंने क्या कहा, सेक को बढ़ा लेना है तो सेक स्क्वायर लेना है और टेन स्क्वायर लेना है, बीच में माइनस का यूज करना है। इस तरह से लेना है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। आरएचएस में सब वन ही आएगा, बस ये याद रखो कि रिलेशन किसका किसका है और बड़ा कौन है। अगर तुम टेन स्क्वायर को पहले और सेक स्क्वायर को बाद में लिखोगे तो रिजल्ट यहाँ माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब इससे तुम्हारा बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, चार फॉर्मूला देखो मैं निकालने जा रहा हूँ। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर कर दो, क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर सेक थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट कर दो इस पर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, माइनस टेन स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर को उधर ले जाओ, और प्लस टेन स्क्वायर चाहिए तो वन को उधर लाओ और टेन स्क्वायर उधर ले जाओ। तो मैं प्लस टेन स्क्वायर का ला रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये टेन इधर आ चुका है इसलिए प्लस में आया है, वन इधर आ जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और फाइनली अगर टेन थीटा का फॉर्मूला लाना हो तो इस पर रूट डाल दो, चूंकि इसका स्क्वायर उधर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये चार फार्मूला जो है ना हमारा सेकेंड आइडेंटिटी पर बना है, ओके। अब यहाँ से अगर हम चाहें अपने थर्ड आइडेंटिटी की ओर, तो इस बार थर्ड आइडेंटिटी मेरा कौन है, कॉट और कॉसेक, और बड़ा लेना है मुझे कॉसेक को, तो गौर से देखो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ना है, इसकी वैल्यू वन है। अब इससे भी तुम चाहो तो चार फार्मूले को फाइंड कर सकते हो। अगर मैं कहूँ अपना फर्स्ट फार्मूला को क्या होगा, तो अगर तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर जा रहा है, ठीक है। और अगर तुम कॉसेक थीटा का वैल्यू लाओगे तो स्क्वायर उधर कर दो, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और भी बहुत सारे फॉर्मूला आ सकते हैं हमारा, यहाँ से अगर मुझे कॉट स्क्वायर की चाहिए ना, तो कॉट स्क्वायर चूंकि माइनस में ना, उधर कर देते हैं प्लस में, वन आ जाएगा इधर माइनस में, तो तुमको कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और उसी तरह से अगर तुम कॉट थीटा चाहिए ना, तो क्या करोगे, अंडर रूट कर दो ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस प्रकार से ये सब फार्मूला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन फार्मूला का काफ़ी यूज होने वाला है। और इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से फार्मूले यूज में आएंगे, यहाँ पूरा का पूरा फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट फार्मूला जो मैंने पीछे लिखाया है वो काम में आएगा, ये हेक्सागोनल फार्मूला काम में आ सकता है, और इसके अलावा ये जितने आइडेंटिटिकल फार्मूला है ना, ये सारा का सारा फार्मूला तुम्हारे काम में आने वाला है, और इन्हीं के बेसिस पर ये चैप्टर बनने वाला है। अगर तुम इस फार्मूले को याद कर लेते हो तो धीरे धीरे इसका अप्लाई भी सीख लोगे, और फार्मूला और एप्लीकेशन ये दोनों मिलकर ही इस चैप्टर को बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी ध्यान रखना है मेरी बातों को कि इस चैप्टर में बहुत सारे जो अलजबरिक आइडेंटिटी है ना, उसके भी फार्मूला काम में आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ अलजबरिक आइडेंटिटी की ना, तो ध्यान दो कौन कौन से तैयारी कर लेना है। अब जैसे मान के चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने की जरूरत नहीं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा ना, तो इन सब फार्मूलों को एकदम याद रख लेना है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है। अब ये जो तीसरा फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बहुत काम में आता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जितने भी ये अलजबरिक आइडेंटिटी देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जो है तुम्हारा इसमें वर्क करेगा। और ये तो एक ऐसा है अलजबरिक आइडेंटिटी कि मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट में काम में आता है, हर जगह यह तुमको देखने को मिलेगा, इसको अवश्य याद रख लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसमें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी काफ़ी आ सकता है तुमको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी जो है ना
वो काम में आता है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये सारे के सारे फॉर्मूले तुमको काफ़ी काम में आने वाले हैं, तो इनको अवश्य याद करना चाहिए। और भी जो भी तुमको लगे कि जो सारे जितने भी फार्मूला है ना इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में, उन सब को याद कर लेना। जो कुछ कॉमन सी बातें हैं जो अक्सर आती हैं यूज में, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इसके अलावा और भी फार्मूला अलग अलग जगह आता है,